क्या बेटा? तो आपको पता है टाइटैनिक कैसे डूबा? नहीं, बट आइसबर्ग से डैमेज हो गया ना। हाँ, लेकिन टाइटैनिक कितना बड़ा बोट था, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो एक छोटे से आइसबर्ग से गिर जाए? देखो बेटा, तीन चीज से कोई एक्सीडेंट होते हैं। वन इज अ देह, वन इज अ देश, वन इज अ देवा। देहा मतलब टेक्निकल एरर से होते, देशा मतलब सोशल एरर से होते, देवा मतलब डिवाइन डीड्स से होते। इट्स ऑल रिलेटेड बेटा, बट फिर भी एक्सप्लेन करो आप कैसे पढ़ा। हाँ, आई थिंक आपने जो टेक्निकल एरर वाला बोला ना, वैसे ही हुआ था। बिकॉज वो लोग जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, वो लोग जो मॉडल से टाइटैनिक को बना रहे थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो ऐसे आइसबर्ग से नहीं गिरता। बनाने के टाइम वो लोग ने एक जगह पे क्रैक कर दिया, तो बिल्डर ने बोला इसको फिल करने के लिए वापस यही मॉडल क्यों लाए हम लोग, इतना पैसा वेस्ट होगा। हम लोग कोई भी मॉडल से फिल कर देते, वैसे भी इस जगह पे क्या होगा। ये नेग्लेक्ट करके वो लोग ने इग्नोरेंस नेग्लिजेंस मते दिस वेरी स्टिंजी नेचर, व्हाई टू वेस्ट मनी, नंबर वन नेग्लिजेंस। इतना बड़ा शिप में इतना छोटा जगह डैमेज होएगा तो क्या होते बोल के एक ओवर कॉन्फिडेंस। This caused maybe that, but it's anyhow it's happened in manufactured in between 19th century, that is 18th and 19th century, 1850 or 1950 ka beech mein. But ship invent hua 5000 years back bhi hamara Vedic reverence mein, reference mein ship invent hua beta. But phir bhi, do you know who, according to you, who invented ship? Tell me. Invented ship? Ship तो बहुत पहले से है। कभी? पता नहीं, I don't know the dates. लेकिन Archimedes के वजह से। Archimedes मतलब which century? Third century. Actually 1900 to 1800 years हो गया Archimedes. After Jesus Christ about 200 years के बाद हुआ Archimedes. बहुत talented, respectable, honorful scientist था वो। वो बहुत चीज़ इन्वेंट किया बेटा। वो अनडाउटेडली ही इन्वेंटेड। व्हाट ही इन्वेंटेड? ही इन्वेंटेड द लॉ ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी, व्हाट इज बॉयंसी बेटा? बॉयंसी इज बेसिकली, इट इज, इट सेज दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स दैट that is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Yes. That means that बच्चे हम लोग को बचपन में पढ़ाए है, स्कूल में इतना समझाते भी हम लोग को समझ में नहीं आता था। How you understood without school? Great Ritu. Okay, then अभी for example एक आइडल पानी में डालेगा, वो आइडल का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर बाहर आएगा। यू नो, ये इन्वेंट करने के बाद आर्किमिडीज इतना पागल हो गया था, नंगा कपड़ा से पूरा गांव घुमाता। यू नो दैट यूरेका बोल के, वो दैट इज द रूट कॉज फॉर द इन्वेंशन ऑफ सो मेनी बिग शिप्स। उसका पहले छोटा छोटा शिप्स था यूरोप में, बिग शिप्स वो मैन्युफैक्चर किया ना, करेक्ट है ना? हाँ, वो टाइम पे वो जमाने का टाइटैनिक बना था, वो वॉरशिप जो एक पैलेस जितना बड़ा था। हाँ, उसके अंदर स्विमिंग पूल्स थे, जिम था, टेंपल्स थे, वेरी गुड, बहुत कुछ था। और उसमें बहुत बड़े बड़े स्टोन्स ऑफ गन फायर करता था वो शिप। ओके, आपका वर्शन हो गया बेटा। डू यू नो देयर इज अ रेफरेंस इन आवर वैदिक सब्जेक्ट्स आल्सो, फॉर एग्जांपल डू यू नो Vasco da Gama invented India. It is what people studies in India in our textbooks. That is kabhi 1498 mein hua samjho. Wo Vasco da Gama India kaise aaya? Uska matlab Archimedes 18th century, 1900 years pehle itna bada ship invent kiya to Vasco da Gama 14th century mein kya achievement kiya? Uska matlab Archimedes का टाइम में भी देर वॉज ए कम्युनिकेशन बिटवीन द कंट्रीज बिकॉज सच ए ह्यूज शिप्स, वॉट एवर इट मे बी, दे इन अवर वैदिक एपिक्स देर आर स्टोरीज अबाउट शिपिंग, शिपिंग बिजनेस,
Do you know what happened at the time of Lord Krishna 3000 years back, 3200 years back to Archimedes? Mahabharata mein, in there is a Junagadh bolke place hai, in Gujarat. There was a very evil king, like a dictator was there, Narakasurta. He used to kidnap females of lot of big dynasties all over the world. Wo log ko bandhan mein rakha tha. Krishna un log ko chudwaya, he got married, means Narakasur had families with them, all 16,000 women tha. सबके साथ उनका बच्चे था, सब कुछ था, छोटा बच्चे से लेके 80 इयर्स तक था. कृष्ण नरकासुर को डेमोलिश किया, पूरा डिस्ट्रॉय किया विथ हिज ब्रदर बलरामा एंड सत्यकी. वो टाइम नोबडी केम फॉरवर्ड टू गिव सपोर्ट टू दैट फीमेल्स. दे टोल्ड हम लोग अग्नि प्रवेश करेगा, 16,000 वुमेन. कृष्ण पूछा क्यों अग्नि प्रवेश करेगा, वो बोला हम लोग को कौन सर्वाइवल नहीं है, नरकासुर का बैड नेम है हमारा पीछे. देन कृष्ण बोला हमारा सोल्जर्स करेगा. सोल्जर्स रिफ्यूज टू मैरी दिस नरकासुर वाइव्स. देन एवरीबडी केम वेंट बैक, स्टेप्ड बैक इवन दो सत्यकी. कृष्ण टोल्ड आई विल गेट मैरिड टू यू, डोंट वरी, यू कैन लिव ऑन माई नेम, बोल के वो लोग के साथ सेटअप करके दिया. वो टाइम सब थ्रेट किया, हम लोग आपका द्वारका में बताएगा. कृष्णा डिंट केयर्ड बिकॉज ही वॉज मॉरली गुड, हिज इंटेंशन टू गिव शेल्टर एंड सपोर्ट टू दोज फीमेल्स, नॉट इन ए लस्टफुल इंटेंशन. वो टाइम कृष्णा उधर रह के 16,000 वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन को एक बिजनेस सेटअप करके दिया, शिपिंग चालू करवाया फ्रॉम गुजरात टू UAE. वो टाइम शिपिंग बिजनेस चालू हो गया, बड़ा बड़ा शिप्स बनाया. वो लोग का बच्चे उधर जाता था, इधर से स्पाइसेस लेके जाता था, केरला जाता था स्पाइसेस लेकर. वो यू नो दिस लवंग, क्लोस एंड दिस क्लोस करेक्ट, इलाची एंड ऑल दोस, चक्का दिस कांड, ये सब मेशवा के सब है ना, ये सब उधर जाके देता था. इधर से गोल्ड लेके जाता था, डायमंड लेके जाता था, उधर का अफ्रीका एंड UAE सब बिजनेस करने लगा लोग. देन 14th सेंचुरी में दिस शिपिंग बिजनेस वाज डेवलप्ड इन सच ए वे, इंडियन शिप्स यूज टू टेक गुड्स टू मॉरिशस. मॉरिशस मीन्स मारीच भूमि. देर इज टूडे ऑल्सो देर इज इंडियन कल्चर्ड पीपल इन मॉरिशस. हाउ इट इज पॉसिबल विदाउट शिपिंग? राम कृष्ण को पूजा करने वाला है, मॉरिशस जाता था एंड अफ्रीका जाता था. व्हेन दिस वास्को डी गामा कंफ्यूज्ड साउथ अफ्रीका एज ए इंडिया, और वो जाके उधर इंडिया किधर, इंडिया किधर पूछने का टाइम, उधर का बिजनेसमैन मेंशन्ड इंडिया से ये लोग बिजनेस पीपल आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड कल्चर्ड, दे आर वेरी प्रॉपर मॉरल फुल. Then Vasco da Gama made friendship with them. They shown the path to India. They welcomed him to India. From Africa to India, Vasco da Gama came, but he showed his bad morals. In Goa, he landed in Vasco. He killed them. And he mentioned that he invented India. On the way, you can study the Vasco da Gama history. द रोअर्स प्रिजनर्स को यूज किया, वो लोग को बुखार आएगा, सिरदर्द आएगा, वो लोग को ऐसा जिंदा समुद्र में फेंक देता था, यूजलेस बोल के. ऐसा क्रूयल पीपल था वो लोग. बट वो आया, देन इन्वेंट किया, देन इंडिया में ये सब हुआ. वॉट एवर इट इज हैपन्ड, अगेन देशा देवा देह, इट्स ऑल हैपन्ड फॉर गॉड्स ब्लेसिंग ओनली. सी 5000 ईयर्स बैक कृष्णा टाइम में इन्वेंशन था बोट्स, शिप्स. यू कैन सी बाहुबली पिक्चर, बाहुबली पिक्चर स्टोरी हैपेंड अबाउट 2500 इयर्स बैक. उसमें एक शिप दिखाते, दैट शिप वाज मेड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशंस इन द बुक ओनली. वो शिप फ्लाई कर सकता था. एट द टाइम ऑफ कृष्णा, वन एनिमी ऑफ कृष्णा अटैक्ड ऑन मथुरा विथ एरोप्लेन.
And Rama, 869,000 years back, Ravana used so many aeroplanes. Aeroplanes, invented aeroplanes ko dekhta hai Sri Lanka mein Hanuman. Kaise explain kiya malum hai? Those aeroplanes used to stay, means parked in the air, not on the ground, with the inertia force, like the force blowing down. And those aeroplanes were not having pilots, self-operative aeroplanes. They used to understand the owner's mind and they used to go. Itna forward tha our technology. Usko, for example, idhar rukho main ek book late. Wo book idhar Samarangana Sutra Dara bolke ek book hai. That book explains how to make aeroplane, how to prepare aeroplane, how to prepare ships. Samarangana Sutra Dara, how to prepare chariots, everything is mentioned in Samarangana Sutra Dara. This is what education, beta. I am very proud that you are not going to school and you have studied so much on yourself. Now you concentrate on our epics also. You can learn better, better, better. So many things you can reinvent. School also can teach those who cannot yarn themselves. You are capable of yarning with your behavior, I can understand. You have taken your own decision. You are studying very well. God bless you, beta. God bless you. Thank you very much. You understood now? Yeah, I understand. Any questions? No, no? No. So nice of you. Thank you very much. Ahoratra.